मंगलवार को ब्राह्मण समाज और सर समाज के लोगों ने अनुविभागीय अधिकारी को बैरसिया के सरकारी स्कूल के 50 वर्षीय शिक्षक द्वारा कक्षा पांचवी की एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना घटित होने पर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि आरोपी को फांसी की सजा दी जाए, वहीं इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में लाकर शीघ्र अतिशीघ्र फांसी की सजा दी जाए और सरकारी सेवा से मुक्त किया जाए। वहीं शिक्षक संपत्ति को जब्त कर कुर्क कर पीड़िता के परिवार को आर्थिक मुआवजा दिया जाए। यदि 7 दिवस के अंदर उक्त कार्यवाही नहीं की जाती है तो उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे। इसकी समस्त जवाबदारी शासन एवं प्रशासन की होगी। आज ब्राह्मण सर्व समाज द्वारा ज्ञापन दिया गया है, किस विषय को लेकर दिया गया? आज जो हमने ज्ञापन दिया है, बैरसिया तहसील के ग्राम हिरणखेड़ी में एक 10 वर्षीय पांचवी की छात्रा के साथ एक शासकीय स्कूल के शिक्षक प्रेम सिंह दांगी द्वारा जंघन अपराध किया गया है, जिसके कारण वह लड़की आज भी एम्स हॉस्पिटल में भर्ती है और जीवन और मौत के मुंह में है। हमारी मांग है कि हम सर्व समाज इस मांग को लेकर अगर आज सुनवाई नहीं होती है और उसके साथ न्याय नहीं मिलता है तो आगे भी कार्रवाई करेंगे। इस प्रकार के जो मास्टर हैं, शिक्षक हैं, वह बच्चियों के लिए बहुत हानिकारक हैं। ऐसे दरिंदों को समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। गंजबासौदा से ललित सोनी की रिपोर्ट, R9 भारत।